Hey everyone, I am Siddhant Chaudhary and I am finance intern at yourshop.com. So, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर प्री आईपीओ. आप सोच रहे होंगे प्री आईपीओ होता है? मैं हार्ड अबाउट आईपीओ. आपने आईपीओ को मैंने आपको पूरी डिटेल्स दी थी. और ये प्री आईपीओ क्या होता है? सो मैं आपको जल्दी से पीपीटी पे ले चलता हूँ. हम वहाँ डिस्कस करेंगे प्री आईपीओ होता है. So, आज हम जिसमें हमारे पॉइंट्स को डिस्कस है प्री आईपीओ होता क्या है, उस चीज से बेनिफिट से आते हैं. जैसे मैं आपको बताया, हर चीज से कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज से दो पहलू. तो मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा. एंड तीसरी चीज है स्टेप्स फॉर इन्वेस्टमेंट. अब कैसे इन्वेस्ट करना है, प्री आईपीओ करना भी चाहिए या नहीं, क्या क्या रिस्क होते हैं वो भी जानना जरूरी है. सो प्री आईपीओ होता है, मैंने जैसे आपको पहले प्री आईपीओ से पहले आपको मैं आईपीओ बताता हूँ. आईपीओ होता है जब कंपनी अपने इनिशियल मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें वो अपने शेयर्स ऑफर करते हैं पब्लिक को और उससे उससे उन्हें फंड मिलता है. सो इट इज अ प्रोसेस टू रेज कैपिटल बेसिकली फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टर्स, राइट. बट प्री आईपीओ जो होता है, प्री आईपीओ में क्या होता है कि बेसिकली जैसे कंपनी बिल्ड हुई, तो बहुत लोगों ने उसमें पैसा लगाया. मैंने ये रिटेल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने धीरे 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 कुछ 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 पैसा लगाया. तो कंपनी में अब बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो गए, राइट. तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो गए, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मुझे लगता है ठीक है मुझे और पैसा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? तो कंपनी सीएसटीएल या एनएसडीएल पे एक है, आप जाओगे, यू कैन गो एंड दैट इज इजिएस्ट रजिस्ट्रेशन. वहां पे इन सब का ट्रांजेक्शन है, राइट. तो होता क्या है, जैसे मैं शेयर होल्डर हूँ, मुझे अब वो पैसा निकालना है, तो मैं जो मेरे उसमें शेयर्स है कंपनी में जो परसेंटेज है वो मैं बेच दूंगा. तो इट मींस अब जैसे एक 5% है, उसे एक कंपनी है जैसे आज जिसका आईपीओ नहीं आया, जो अभी तक मार्केट में आई ही नहीं है, जब स्टॉक मार्केट में नहीं है, एनएससीबीएसई में नहीं रजिस्टर्ड, उस कंपनी के शेयर्स लें, तो वो जो शेयर परचेज करेगा सीएसडीएल की वेबसाइट पे, वहां से जाके, तो उसे बोलते हैं प्री आईपीओ. इट मींस दैट व्हेन, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कौन सी कंपनी ने प्री आईपीओ लेने हैं, कौन सी ने नहीं लेने. बेसिकली प्री आईपीओ हम बोल सकते हैं दे आर बेसिकली हम बोल सकते हैं दे आर हेज फंड्स, ओके, हेज फंड्स टाइप में होते हैं. और इसमें फिर सेकेंड सेलर्स और कौन होते हैं, ई शॉप्स. ESOPs मतलब जो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन होता है, राइट. सो बेसिकली जो एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी उन्हें कुछ शेयर्स अलॉट करती है, ऑफर करती है, अगर उनके पास वो है तो आप उनसे भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हो. तो ये जो भी ये प्रोसेस है बाइंग एंड सेलिंग का, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता, इट इज जस्ट बिटवीन थर्ड पार्टीज. तो इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता, राइट. Then, ये जो अब आप सोच रहे होंगे ठीक है मेरा जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं, अगर आप स्टॉक यूज करते हो तो आपके वो नॉर्मल आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं, ये आपके डीमैट फॉर्म में. तो इसमें क्या होता है, प्री आईपीओ में भी वो जितने भी शेयर्स हैं आपके डीमैट फॉर्म में आप अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं, ठीक है. तो बेसिकली प्री आईपीओ में वही होता है लाइक कोई फॉर्म है, वो 1 साल के इंटरवल होता है इसका, जिसमें वो देख रहे थे हाँ कुछ टाइम बाद मार्केट में अपना आईपीओ लाएंगे, तो बेसिकली उन्हीं के शेयर आपको जनरली दिखाई देंगे. सो और ऑल्सो इफ अ कंपनी लाइक कोई भी फॉर्म है, उसमें अगर आप देख रहे हो नहीं 20 इन्वेस्टर्स है, ओनली 20 शेयर होल्डर्स है, तो उस कंपनी के प्री आईपीओ नहीं होगा. आपको उस कंपनी के कोई भी प्री शेयर या कोई भी अवेलेबल नहीं होंगे. देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 100 शेयर होल्डर्स, मिनिमम 100 इन्वेस्टर्स होने चाहिए उस फॉर्म में, तब जाके उसका आप प्री आईपीओ ले सकते हो इसमें, राइट. सो मार्केट हाउ व्हाट मेक्स प्री आईपीओ स्पेशल, क्या स्पेशल बनाता है? सो लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यंग कंपनी, अ प्री आईपीओ प्लेसमेंट इज अ वे टू रेज मनी, राइट. प्री आईपीओ पैसा रेज करने का तरीका बिफोर गोइंग टू पब्लिक. इट इज ऑल्सो वे टू ऑफसेट द रिस्क दैट द आईपीओ प्राइसेस विल प्रूव टू बी. So basically,
प्री आईपीओ जो प्राइजेस होते हैं वो कंपनी की रिसेंटली जो वैल्यूएशन है उसके बेसिस पे होते हैं, ठीक है। बट आईपीओ जैसे आपको पता है सपोज बिड प्राइस है 90 to 92, तो अब आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो कि हाँ 90 है तो इट विल ओपन एट 130, बट व्हाट इफ इट ओपन्स एट 70, तो आप वहां लॉस में आ रहे हो। सो प्री आईपीओ इस चीज में आपको बचा देता है। So, इतना उसमें स्पेकुलेशन नहीं होता, जो करंट वैल्यूएशन आप देते हो कंपनी को उससे बेसिस पे आपको शेयर मिल जाता है, ठीक है। सो एंड फ्रॉम बायर्स पर्सपेक्टिव क्या होता है, जो पर शेयर उन्हें मतलब पर शेयर हम बोल सकते हैं डिस्काउंट अमाउंट, सपोज आपने प्री आईपीओ में जो शेयर परचेज किया वो 40 रुपीज में किया, मार्केट में बिड प्राइस 90 आई, सपोज करते हैं अब वो 70 रुपीज में भी ओपन होता है, तो आपने तो 40 में परचेज किया प्री आईपीओ, इट मीन्स आप वहां पे प्रॉफिट साइड में आपको वहां पे भी बेनिफिट है। तो इस स्टेप से होते हैं, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मिनिमम अमाउंट होती है 15,000, बड़े फॉर्म से ले बड़े अमाउंट से लेते हैं, बट द मिनिमम अमाउंट यू रिक्वायर्ड इज 15,000। देन यू हैव टू डिफाइन योर गोल कि हाँ मुझे इस सेक्टर में इतना, इस सेक्टर में ये कंपनी को देखना है। सो बेसिकली यू हैव टू फिक्स योर गोल, देन आपको अपना पेमेंट करना है। आप जैसे ही पेमेंट करोगे वहां पे आपको अपने डीमैट अकाउंट की सारी डिटेल्स देनी होगी, जिससे सीएसटीएल से जितने भी वो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट के फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। तो रिस्क लैक ऑफ लिक्विडिटी, बिकॉज जैसे मैंने बोला मिनिमम 15,000 आपको, कम से कम यू नीड 15,000, स्कैर्सिटी ऑफ डीमैट। सो अब आपको नहीं पता, सपोज आपने कोई भी फॉर्म में पैसे लगाए, आपने किसी भी प्री आईपीओ ले लिया, तो अब आपको वहां पे डिविडेंड नहीं मिल रहा होता प्री आईपीओ में, अगर आपने शेयर्स परचेज किए, यू विल नॉट गेट डिविडेंड, दैट इज द मेन पॉइंट, वैल्यूएशन। सो इट मींस आज मैं जोमेटो में प्री आईपीओ लेता हूँ, सो आई डोंट नो वो कंपनी वो फॉर्म कितना स्टेबिलिटी रहेगा आगे भी, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वो डाइल्यूट हो सकता है, राइट। देन कैपिटल लॉस, अगर वो डाइल्यूट होती है तो आपको कैपिटल लॉस विल नॉट गेट कंपनी मार्केट में आ जाती तो आपको मिनिमम 1 ईयर तक वो शेयर होल्ड रखनी पड़े, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, आप कोई भी कंपनी में प्री आईपीओ लेते हो तो मिनिमम आपको 1 ईयर तक after company goes for their IPO, you have to keep those shares with you. I hope आपको ये चीज समझ आई, what are the key takeaways हम जल्दी से ले लेते हैं। Pre-IPO में हमने देखा कि कैसे large loss of stock companies in advance of its listing, so before they are going for IPO, वो pre-IPO में जाते हैं, then उन्हें IPO से obviously जैसे मैं आपको बताया 70-30 वाला discounted price में आपको मिल रहा है, and for a company the placement is a big जहां से वो पैसा रेज कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू आईपीओ। आई होप आपको समझ आया हो, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।